क्या हुआ? पूरी तो खड़ी हाँ, वो तो सफाई कर रहे हो। बंदा भी अंदर है, गप्पे मार, जाओ देख रहे हो आके। हेलो गाइस एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ योर्स वर्ल्ड। अभी जैसे कि आपको पता है कि 9-10 मुहर्रम है, तो अभी हमने कब्रिस्तान जाना अपने दादा दादी की कब्र पे, ठीक है, और फातिहा खानी करने जाना है। तो अब आप हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, अगर मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि मैं पहली दफा कब्रिस्तान जा रही हूँ, अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी कब्रिस्तान नहीं गई, आज फर्स्ट टाइम मैं कब्रिस्तान जा रही हूँ, तो देखते हैं किस तरह का होता है। कब्रिस्तान का ये वाला गेट है, लेकिन हम इस वाले गेट से नहीं जाएंगे, हम दूसरे वाले गेट से जाएंगे। अब हम कब्रिस्तान पहुंच चुके हैं, ये अंदर है। अस्सलाम वालेकुम या अहल कुबूर। अब हम कब्रिस्तान आ चुके हैं अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं इधर कब्रें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी हुई हैं। हमें कब्रों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, इन पे कचरा नहीं फेंकना चाहिए, इनके ऊपर खड़े नहीं होना चाहिए, इनकी बेअदबी नहीं करनी चाहिए, और कब्रिस्तान में जाके हंसना भी बहुत बुरी बात है। आप देखें ये कब्रें इतनी खूबसूरत बनी हुई हैं, हमने भी एक दिन इधर ही आना है, तो हमें अपनी मगफिरत की दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला से सारे गुनाह की माफ़ी मांगनी चाहिए, दिल से मांगनी चाहिए, क्योंकि हमने भी एक दिन इधर ही आना है। अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ़ कर दे। जो मेरी दादी और दादू हैं, जो मेरे दादा है, नानो है, नाना है, उन सब को अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाए। और जैसे कि आपको पता है कि बारिश का मौसम चल रहा है, और साथ ही साथ देख सकते हैं कब्र पे कितनी हरियाली हुई हुई है। यही हमारा असल घर है, हमने इधर ही आना है। आप देखो इतनी प्यारी कब्रें बनी हुई हैं, हमारा असल घर यही है, हमने इधर ही आना है एंड पे, ठीक है। तो हमें किसी को दिल नहीं दिखाना चाहिए और किसी की दिलदारी नहीं करनी चाहिए। और ये वाली आप कब्र देखें कि मतलब ये टूटी हुई है, क्रैक हुई हुई है ये। तो अल्लाह ताला जो भी इस कब्र में है इनकी बख्शी फरमाए, इनको जन्नत अता फरमाए। हाँ जी, कब्र कितनी खूबसूरत बनी हुई है। हाँ जी, ये वाली देखे। क्या हुआ? पूरी खड़ी हाँ, वो तो सफाई कर रहे हो। बंदा भी अंदर है, गप्पे मार, जाओ देख रहे हो आके। ये भी देखे कि ये कब्र बनी हुई है, और बारिशों की वजह से ये सारी मतलब इसकी मिट्टी ऊपर से हट चुकी है, और इस कब्र में भी बहुत अल्लाह ताला इस कब्र को भी बख्शिश फरमाए और जन्नत अता फरमाए। मुहर्रम के महीने में आपको लाजमी आना चाहिए, और ईद के दिनों में भी लाजमी आना चाहिए। हम घर चलते हैं, अब हम वापस जा रहे हैं। और कब्रिस्तान में आके मुझे लगा कि मुझे डर लगेगा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, और मतलब अच्छा भी लगा, क्योंकि हमने भी एक दिन इधर ही आना है। तो अब चलते हैं हम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।